जब भी बात औषधीय गुणों की आती है तो सेहुण का पौधा लाभदायक माना जाता है, लेकिन इसको सुनकर कुछ अजीब लगता है। लेकिन यह पौधा कांटों से भरा है, लेकिन इसके चमत्कार भी काफ़ी निराले हैं। डॉक्टर ने बताया कि जिस प्रकार इसका सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, फिर चाहे आँखों की रोशनी बढ़ानी हो या हो कोई समस्या, तो दूसरी ओर कानों में होने वाले दर्द को भी यह राहत पहुँचाता है, तो वहीं पाइल्स की समस्या को करता है दूर। अगर किसी को आ रही है खांसी तो इसके दूध का सेवन करने से होते हैं निवारण। और दूसरी ओर विभिन्न औषधीय गुण हैं जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक माने जाते हैं, इसी को लेकर आयुर्वेदिक डॉक्टर इस सेहुण के पौधे को बहुत ही लाभदायक मानते हैं। मुख्य रूप से अगर किसी भी तरह की खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही हो तो इसका इलाज करा सकते हैं। इसको लेकर के इसके पत्तों को गर्म करके भी मिलती है जुखाम से राहत, तो दूसरी ओर लगातार डॉक्टर भी करते हैं इसका प्रयोग। देखिए क्या कहना है। सेवड़ा भी कहते हैं, इसमें ही कहते हैं, इसका प्रयोग मुख्य रूप से पेट के रोगों में और बवासीर में किया जाता है। इसका चीर यानी दूध निकाला जाता है और उस दूध की पर चढ़ाई जाती है धागे पर जी, इसकी और हल्दी की धागे पर चढ़ा के एक धागा दिया जाता है, इसको क्षार सूत्र कहते हैं, क्योंकि ये क्षारी होता है तो इससे बना धागा जिसको हम पाइल्स फिस्टुला इनको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब बवासीर और भगंदर सामान्यतः ठीक नहीं होते हैं तो इन इसके चीर से और इसके क्षार सूत्र से उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसके चीर का प्रयोग जो है पेट के अलावा जैसे कान में दर्द हो रहा है उसमें डाल के कान में दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा इसके पत्तों का जो है सेक किया जाता है, जैसे किसी को सर्दी लग जाती है तो इसके पत्तों को बांधा जाता है, जोड़ों के दर्द के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और सर्दी जुकाम खांसी में बच्चों में जो हो जाता है उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर पर हर जगह अवेलेबल रहता है क्या? आमतौर पर हर जगह के जीरो फेटिक होता है तो सूखी जगह पर ज़्यादा मिलता है, जो सूखे स्थान हैं वहाँ ज़्यादा मिलेगा, रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ पानी कमी होती है वहाँ इससे ज़्यादा। तो इसके पत्ते तोड़ के लाए जाते हैं या तना होता है इस्तेमाल? इसका एक तना होता है, तने को आप लगा देते हो कहीं भी ये उग जाएगा और एक झाड़ी के रूप में रूप ले लेता है। इसका प्रयोग जो है दूध का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, चीर जो इसके तने को थोड़ा सा कट मार के इसमें से दूध निकाला जाता है, उस चीर का प्रयोग मिल्क का इसके प्रयोग बीमारियों में किया जाता है। पत्तों को भी गर्म करके बांधा जाता है? पत्तों को भी गर्म करके या पत्तों का काढ़ा बना के दूसरी औषधियों के साथ मिला के इसका प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से लोकल 18 के लिए सत्यम गटियार की रिपोर्ट।